Let us now start with the number series questions. The very first questions, I have taken a series of numbers and which says that it's 5. Then the next number is 9, 13, 17. Then you have got 2 dash, 29 and then 33 and then again a dash. Now you have to fill in the blanks of this series of the numbers. Now look at the series very carefully. Kya dikh raha hai aapko? देखिए यहाँ पर आपका पहला जो नंबर है वो है 5 और उसके बाद है 9 उसके बाद 13 17 कुछ सूझा? यस हाँ आपको दिख गया कि ये जो दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है 4 5 प्लस 4 इज 9 देन यू हैव गॉट दिस 9 प्लस 4 व्हिच इज इक्वल टू अगेन 13 13 प्लस 4 इट इज 17 सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर आई नो इट इज 17 plus 4 which is equal to 21 right okay uske baad aur 4 jodiyega to again 4 added to 21 so it becomes 25 and then again you have got add 4 you get 29 add 4 you get 33 and again add 4 you get 37 so you have done the first question right so samajh mein aa gaya aapko simple sa series है ना तो चलिए थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इससे थोड़ा सा हार्ड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव गॉट द नंबर्स 32 80 200 देन डैश 1250 एंड डैश क्या पैटर्न आपको दिख रहा है सोचिए जरा पॉज कीजिए वीडियो को सोचिए इस पर जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको 80 से 80 को अगर हमने 32 से डिवाइड किया सो 80 डिवाइडेड बाय 32 सो आई गेट 5/2 नाउ अगेन 200 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज आल्सो इक्वल टू 5/2 दिख रहा है ना तो इसका मतलब है कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को यानी जो दूसरे टर्म को पहले टर्म से मैं डिवाइड करती हूँ और तीसरे को दूसरे से डिवाइड करती हूँ तो एक कॉन्स्टेंट टर्म मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 5/2 ऐसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं है ना तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 5/2 का जो रेशियो बन रहा है तो अगला नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा जो फोर्थ नंबर है तो फोर्थ नंबर कैसे मुझे मिलेगा तो अल राइट 200 इनटू 5/2 सो व्हाट इज द वैल्यू इट विल बी इक्वल टू ओके सो इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या करना होगा आपको यू हैव टू राइट 1250 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 5/2 सो दिस बिकम्स 625 इनटू 5 सो दैट इज इक्वल टू 3125 राइट सो द नेक्स्ट नंबर सो यहां पर मुझे क्या लिखना होगा बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा द फर्स्ट वन इज 500 एंड द नेक्स्ट डैश इट इज इक्वल टू 1315 okay now let us move on to the third question चलिए let's do the next question और इस question में हमें क्या question में दिख रहे हैं देखिए 7 8 10 15 dash 31 42 55 dash 87 चलिए ध्यान से pattern को देखते हैं और हमें क्या दिखता है 7 और 10 के बीच का difference है 3 देन 5 और 10 के बीच में 15 अब नेक्स्ट नंबर्स का देखिएगा 31 और 42 द डिफरेंस इज 11 42 एंड 55 द डिफरेंस इज 13 राइट एंड देन डैश एंड देन 87 सो क्या दिख रहा है मुझे जो सीरीज में जो नंबर के पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर उसमें आपको दिख रहा है कि जो डिफरेंस है द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द odd numbers, right? So 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आता है? 7. यानी 15 में क्या add करना चाहिए कि जो dash का number मिल जाए? तो 15 plus आपको 7 करना होगा. तो answer में क्या आना चाहिए? That is 22, right? अच्छा, अब जाइएगा 22 में आपने add किया है 9, 9 plus 22, 31. अरे बाबा सही मिल गया. फिर उसके बाद क्या करना होगा आपको 31 में 11 ऐड करना पड़ेगा 42 यस हमारा सही सही है 42 में आप फिर 13 ऐड कीजिए 55 आ रहा है
और 55 में आपको 15 ऐड करनी पड़ेगी, तो आपका जो अगला जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है उसमें आएगा 70. तो चलिए अगला ऐड करके देखते हैं. सो दैट इज 70 प्लस 17 कितना आएगा, दैट इज 87. हाँ, हमारा नंबर सही है. सो दिस इज द वे हाउ यू वर्क आउट द पैटर्न इन वर्किंग आउट द सीरीज क्वेश्चंस, राइट. फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सीरीज वाली क्वेश्चंस है हमारे पास. तो यहाँ जो सीरीज हमने लिखा है दैट इज 13, 17, 19, 29, 31, 37, 43. चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पॉज कीजिएगा, सोचिए कि यहाँ पर जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है उसमें क्या क्या नंबर्स आएगी, क्या पैटर्न आपके पास बन रहा है, जरा सोचिए. ओके, सोच लिया, मिल गया आंसर. चलिए, बहुत लोगों का एकदम सही आंसर बना होगा. देखिए यहाँ जो पैटर्न बन रही है, यहाँ सीरीज है हमारी प्राइम नंबर्स की, देखिए है ना, प्राइम नंबर्स सारे. तो 13, 13 के बाद का प्राइम नंबर होता है 17, एंड आफ्टर दैट यू हैव 13 के बाद क्या आना चाहिए, यस द नंबर विल बी 23 के बाद आती है 29, 31, 37, देन 37 के बाद, हाँ बोलो, यस 41. ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू थिंक. दैट इज, देखिए पैटर्न ढूंढने के पहले उसके बाद आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन था ये, हाँ. तो लेकिन हमारा दिमाग कहाँ जाता है, नंबर सीरीज दी हुई है और हम क्या करते हैं, हम इसमें पैटर्न ढूंढने लगते हैं. ढूंढिए पैटर्न, है ना, और पैटर्न ढूंढने के साथ साथ अब कई सारे जो पैटर्न के नंबर्स आ रहे हैं उसके वे सोचिएगा, और कभी कभी यहाँ पर छोटी सी भी सोच लीजिएगा कि कहीं यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, प्राइम नंबर्स पे वन तो नहीं जोड़ रहा है, ऐसे कोई पैटर्न तो नहीं बन रही है. देखिए हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होगा, हर नंबर सीरीज आपकी अलग होगी. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो ब्रेन है वो वर्क करने लगेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट. Now let us move on to the fifth question. Fifth question में लिखा है 11, 12, 4, 3, 9, ... क्या आएगा, पैटर्न को समझिए. कई लोगों को दिख गया, चले 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 चले, बिल्कुल बिल्कुल आपका दिमाग एकदम सही चल रहा है. वन के बाद आया टू, टू के बाद देखिए ऑल्टरनेटिव में थ्री आ रहा है, और दूसरी हमारी पास इसी के अंदर एक और सीरीज बन रही है. देखिए जरा यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, वन है, वन के बाद फोर, फोर के बाद नाइन. तो चलिए इसमें क्या दिखा आपको, जो पहली ऑड वाली जो नंबर्स है वो है वन टू थ्री, और थ्री के बाद क्या आना चाहिए, फोर, फोर के बाद डैश आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, फाइव. जो अगली जो बीच बीच की सीरीज है ना, इवन नंबर, जो इवन नंबर के प्लेसेस है उस पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके क्या आ रहे हैं, वन आ रहा है, वन के बाद क्या आया, फोर, और फोर के बाद क्या आ गया, नाइन. तो इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन. इसका मतलब फोर का स्क्वायर होना चाहिए, और फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और उसके बाद फाइव का स्क्वायर यानी आखिरी वाला जो नंबर होगा वो होगा आपका 25. क्लियर बच्चों? ओके, सो चलिए सिक्स क्वेश्चन करते हैं, और सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास जो सीरीज आई है सामने, दैट इज है 0, 0 के बाद 6, 24, 60, 120, 210, and then dash. क्या आना चाहिए अगला नंबर, लास्ट वाला, सोचो पैटर्न सोचो, पॉज करो वीडियो को, अपने आप कोशिश करो. हाँ ओके, सो सोचा आपने, कुछ मिला, ओके गुड, हम भी बताते हैं आपको. देखिए पहला जो नंबर है वो है 0, दूसरा है 6, तीसरा है 24. यहाँ मुझे एक पैटर्न दिख रही है, जो पहला नंबर है 0, दैट आई कैन राइट इट एज 1³ - 1, विच इज 1 - 1, 0. अगला है 6, है ना, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2³ - 2, विच इज इक्वल टू 8 - 2, विच इज इक्वल टू 6. तो पैटर्न क्या आ गई, नंबर जो भी पोजीशन पे है उसका क्यूब करना है और उसी को सब्सट्रैक्ट करना है. चलिए थर्ड नंबर के लिए ट्राई करते हैं, 3, दैट इज 24. तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट एज 3³ - 3, यस दैट इज 27 - 3, राइट. देन द फोर्थ नंबर, इट इज इक्वल टू 60.
अब 60 को क्या लिखा जाए? 60 को क्या हम लिख सकते हैं? 4 क्यूब माइनस 4, यस, 64 माइनस 4, 120 इज द नेक्स्ट नंबर. आई कैन राइट इट एज 5 क्यूब माइनस 5, व्हिच इज इक्वल टू 125. माइनस 5, 120 आता है. तो इसी सीरीज पर आगे, दैट इज 210. 210 कैन बी रिटन एज 6 क्यूब माइनस 6. 6 क्यूब इज, yes, 216 minus 6, which is equal to 210, right? Okay, the next one, what it should be? So, you have to guess the number. It is equal to 7 ka cube minus 7. So, what should be the answer? Yes, come on. 7 ka cube karo, 7 se minus karo. Kya aata hai aapka number? Got the answer? Yes, that is equal to 336. तो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा? 336. वेरी गुड बच्चों, इसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आपकी बुक में है ना, उसको ट्राई कीजिएगा. हाँ, और जो भी डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हो.